तो भाई आज हम वीडियो लाए हैं पाइनियर के स्टीरियो के ऊपर। ये पाइनियर का स्टीरियो है और इसकी जो मॉडल नंबर है वो है MVHG219BT। ये इसका मॉडल नंबर है, आप चेकआउट कर लो यहाँ पे। और ये इसमें जो आपको पहले मैं इसमें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या मिलेगी। रेडियो मिलेगा, USB मिलेगी, ब्लूटूथ ऑडियो मिलेगा, ऑक्स मिलेगा और इसमें आपको कैमरा व्यू मिलेगा। यहाँ पे इसमें आपको ऑक्स का ऑप्शन मिलेगा, ये इसका होम बटन है। और यहाँ पे आपको म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, ये म्यूट का। यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है ना। तो ये कुछ सीन्स है। बाकी ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ में आपको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा अगर डिवाइस होंगी तो फिर वो आपको डिलीट करनी पड़ेंगी और तब आप कोई नई डिवाइस आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये इसके कुछ सीन्स है। यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स है और दोबारा से हम यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पावर ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ये पावर ऑफ हो जाएगा, वो भी करके दिखा देंगे हम एक बार। बाकी ये ऑक्स का ऑप्शन है, ऑक्स में कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। दोबारा से हम जाते हैं USB, जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे USB लगाओगे तो उसका ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। ये इसका FM है और उसी के साथ साथ बेसिक है। टच इसकी कुछ ऐसी है जैसे पहले के चाइनीज़ फ़ोन्स में आती थी, कुछ ऐसी टच है। यहाँ पे टाइम बताएगा और इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलेगी, बाकी पाइनियर का है। तो आउटपुट काफ़ी अच्छी होगी इसकी, सबसे मेन चीज़ कि इसकी आउटपुट काफ़ी अच्छी है और हमने अभी चेक भी किया है। ये पावर ऑफ हो गया, अभी ये बिल्कुल ऑफ हो गया और ये आप दबाओगे तो ऑन हो गया। ये इसका ऑफ हो गया, कहाँ पे गया? अच्छा यहाँ पे भी ऑफ का ऑप्शन है। ये इसके कुछ ऑप्शंस है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शंस है इसमें। ऑक्स का ऑप्शन है, कैमरा सेटिंग्स है और बैक जाते हैं, AV सोर्स है, ब्लूटूथ ऑडियो और ये बिल्कुल रीसेट करने के लिए है। तो एक उस सीन से यहाँ पे आपको मोबाइल का आ जाएगा, जैसे कि अभी निशांत के मोबाइल से कनेक्ट है तो यहाँ पे आप कोई भी मिला के और वो भी कर सकते हैं। अच्छा ये भाई ये भी आ गए, ये कॉल लॉक, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी बेसिक है और काफ़ी सही भी है। रिवर्स कैमरा भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, एक मिनट अभी आएगा। ये इसमें रिवर्स कैमरा आ गया, तो ये कुछ सीन्स है। काफ़ी ठीक है रिवर्स कैमरा भी, अगर आप चेकआउट करोगे तो ये रहा। न्यू ब्राइटनेस कंट्रोल जाएगा, ये रिवर्स कैमरा लगाने के बाद भी क्या कहते हैं हट जाएगा और बाकी इस पे जाएंगे तो ये आ जाएगा। और अभी डायरेक्ट भी अगर आप जाएंगे ना तो आई थिंक डायरेक्ट भी आ जाए, शायद नहीं आएगा इसमें भी, नहीं डायरेक्ट नहीं शो कर रहा है इसमें, हालांकि ऑप्शन है बट शो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ सीन्स है। बाकी अगर ये भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर किसी को अच्छे आउटपुट चाहिए, थोड़ी कम रेंज में अच्छी आउटपुट चाहिए टच के साथ, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। बाय बाय।